सो आज की इस वीडियो में हम आपको एटॉप 7 अल्पाइन मैप के सीक्रेट प्लेस बताने वाले हैं, जिससे फ्रेंड्स आप अपनी रैंक को पुश कर सकते हो और यार जल्दी से जल्दी हेरोइक वगैरह जा सकते हो और यार वहां से बैठे बैठे ना आप बंदों को भी टपका सकते हो, सीक्रेट प्लेस पे बैठे बैठे यार आप बंदे भी टपका सकते हो। सो फ्रेंड्स सर अभी अपना आ भी चुके अपने फर्स्ट नंबर के सीक्रेट प्लेस पे, तो फर्स्ट नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा रिवर माउथ पे। तो रिवर माउथ में यहाँ पे आपको नदी के साइड में यहाँ पे आपको लॉन्च पैड देखने को मिल जाएगा। फिर यार आपको लॉन्च पैड को इस तरीके से सेट करने के बाद लॉन्च करना है, तो आप यार इस बिल्डिंग के ऊपर, इस टावर के ऊपर, जो भी इसको बोलना चाहो उस बोल सकते हो, तो इस टावर के ऊपर आ जाओगे। बाकी यहाँ से आप यार बंदे बंदे भी मार सकते हो। तो मुझे एक बंदा दिखा भी था और मैंने वहां से उसको मारा, तो वो बेचारा मतलब ग्लू वॉल डाला था, तो ग्लू वॉल के बाद भी फ्रेंड्स यार अपन ने उसको स्काइलर वगैरह लगा के हेड मार दिया, वो भी AWM से। तो AWM से मेरे हेड यार काफी ज्यादा लग रहे हैं। और यार इधर के साइड में मुझे एक और घर के अंदर बंदा भी बैठा हुआ दिखा, तो उसको भी एक गोली मारी। बाकी यार वो अंदर के साइड में चले गया। बाकी फ्रेंड्स यार आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको यार रैंक पुश करना है ना, मतलब एकदम सीरियस रैंक पुश करना है, तो आपको यार यहाँ से नीचे की साइड में स्कोप खोल के चले जाना है, जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ ना यहाँ पे आपको आ जाना है। और यार यहाँ पे आप आने के बाद आप लेट जाते हो, तो आपको यार यहाँ पे आपको कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यार यहाँ से है ना ये जो रेलिंग बनी हुई है ना, इसके आर पार यार गोली नहीं जाती है। तो देखो मैं फ्रेंड्स यार यहाँ पे फायर करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स यार देखो, अगर आप लेटोगे या फिर बैठोगे तो आपको यार नीचे से कोई भी बंदा यार नहीं मार पाएगा, और आप यार नीचे के बंदों को इसी तरीके से टपका सकते हो। तो इस रेलिंग मतलब ये सॉलिड रेलिंग है, यहाँ से यार आपको किसी भी कोई भी बंदा आपको यार शूट वगैरह नहीं कर पाएगा। आप यार कुछ इस तरीके से खड़े होकर बंदे को मार सकते हो। तो ये बंदा यार मतलब बच के निकल गया था, मेरे वार से बच के निकल गया था। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से मैंने यार काफी देर तक कैंप किया, काफी देर तक सर्वाइव किया। तो एक और बंदा यहाँ पे यार गार्डन में घूमने घूमने आ रहा था रिवर माउथ पे, तो इस बंदे को भी अपन ने यार 66 वाला धो दिया था। तो इस बंदे को तो एक गोली मारी, और दूसरी गोली मारने के बाद अपन ने इसको लोल मोल बताया। इसको भी पता चलना चाहिए कि आप उनका ये सीक्रेट प्लेस होती जहां से हम बंदों को टपका देती। तो यार यहाँ से फिर आपको यार यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपको जंप करना पड़ेगा। तो जंप करने के साथ आपकी यार यहाँ पे 10 HP बचेगी, तो आपको यार यहाँ पे 2-3 मेडिकेट लेके आना पड़ेगा। 3 मेडिकेट लेके आओगे तो यार आप फटाफट से अपनी हील को इजी तरीके से फुल कर पाओगे। तो ये वाला सीक्रेट प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने दूसरे नंबर के सीक्रेट प्लेस पे। तो दूसरे नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा फॉरेस्ट रेड पे ना, तो फॉरेस्ट रेड नाम की ये लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स यार ये वाला पेड़ देखने को मिलता है ना, तो यार यहाँ पे आपको आ जाना है। और यार यहाँ पे ये जो चक्रा वकरा है ना, ये चक्रे के पास में ये वाले घर पे आपको कुछ इस तरीके से एक ग्लू वॉल को सेट कर देना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया ना उस तरीके से सेट कर दो। फिर आपको यार फटाफट से ऊपर के साइड में चले जाना है, और जिधर के साइड में ग्लू वॉल लगाया उधर के साइड में आ जाओ, और फिर यहाँ से आपको इधर के साइड में जंप कर देना है ग्लू वॉल से नीचे उतर। अरे नीचे उतरने के बाद आपको यार एक और ग्लू वॉल सेट करना पड़ेगा, तो यार यहाँ पे आपको नीचे उतर जाओ और फिर आपको यहाँ पे एक और ग्लू वॉल को कुछ इस तरीके से सेट कर दो। फिर आपको यार यहाँ से ग्लू वॉल के ऊपर जंप करते करते ऊपर के साइड में आ जाना है, और मैंने जो चक्रा बताया था ना उस चक्रे के आपको अंदर जाना है। तो यार वहाँ पे चक्रे के अंदर कुछ बना हुआ है जहाँ से आप बेट वगैरह सकते हो, कैंप वगैरह कर सकते हो। तो उसके अंदर जाने के लिए आप यार यहाँ पे एक ग्लू वॉल भी सेट कर सकते हो, या फिर जंप वगैरह करके भी जा सकते हो। बाकी यार ग्लू वॉल सेट करोगे तो काफी सही रहेगा, इजी हो जाएगा, इजी पीजी काम हो जाएगा। तो यार यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ से आप यार कुछ इस तरीके से बैठ सकते हो। पहले तो ग्लू वॉल हटा देते, नहीं तो किसी एनिमी को पता चल जाएगा। तो ग्लू वॉल हटा दिया है, यहाँ से आप यार किसी भी बंदे को कवर में रहते रहते मार सकते हो। कोई बंदा आपको देख लेता है तो नीचे बैठ जाओ, और कोई बंदा आपको नहीं देख पाता है तो कुछ इस तरीके से फाइटिंग कर सकते हो उस बंदे के साथ। और यहाँ से भी आप बैठे बैठे बंदे वगैरह टपका सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा ना तो एक बंदा यार मेरे पास में आ गया था, गोलियां वगैरह फायर कर रहा था, तो एक बंदा यार मेरे जस्ट साइड में आ गया था, और फिर मैंने उसको क्या किया, यहाँ से उस पे एम तो नहीं आ सकता था, तो मैंने क्या किया उसको ग्रेनेड से टपका दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यार आप यहाँ से बैठे बैठे ना बंदे वगैरह टपका सकते हो, जिस तरीके से मैंने टपका है ना उस तरीके से। तो यार मुझे एक और उधर के साइड में एक और बंदा दिख रहा था, मतलब वो कार वार लेके आया था, तो मैंने उसकी कार को मतलब एमओ मारा, तो वो बेचारा उतर गया। तो ये बंदा फ्रेंड्स यार काफी देर से परेशान करे जा रहा था, तो यहाँ पे मैं उसको एक गोली मारता हूँ और वो फिर कवर में चले जाता है। एक गोली मारू और फिर कवर में चले जाता है, फिर मैं ड्यूटी लगा के वापस निकलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स यार उसको लास्ट में उसने यार काफी देर परेशान किया, फिर लास्ट में मैंने उसको यहाँ से बैठे बैठे टपका दिया। मैं भी फ्रेंड्स यार वो जैसे ही मेरे को मारता था ना तो मैं नीचे बैठ जाता था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यार वो बंदा भी बेचारा कंफ्यूज था, तो उसको अपन ने लोल मोल बता दिया। फिर यार यहाँ से आप यार इजी तरीके से बाहर जा सकते हो, जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ ना उस तरीके से आप यार यहाँ से बाहर जा सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लोकेशन, तो ये चक्रा वक्रा ध्यान रखना, फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट रेड हाउस है, मतलब फॉरेस्ट रेड
लोकेशन का नाम है ये, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। बाकी अपन आ चुके अपने तीसरे नंबर के सीक्रेट प्लेस पे, तो तीसरे नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा स्नोफॉल में ना। तो स्नोफॉल में ये फ्रेंड्सर आपको ये वाली लोकेशन पे आपको आना है, जिस वाली लोकेशन पे मैं हूँ यहाँ पे आपको एक लॉन्च पैड देखने को मिल जाएगा। तो यार यहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिल जाएगी। फिर लॉन्च पैड को आपको यार कुछ इस तरीके से सेट कर देना है जिस तरीके से मैंने सेट किया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आप यार इस लोकेशन पे इजी पीजी आ जाओगे। तो यार यहाँ से आने के बाद आप यार चारों साइड के बंदों को इजी तरीके से देख सकते हो और टपका भी सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, मैं इसको यार थोड़ा रिस्की बोलूंगा, क्योंकि यार यहाँ से आपको भी कोई बंदा यार नीचे से देख लेगा तो वो भी आपको टपका सकता है। बाकी यार यहाँ से कोई बंदा उधर की साइड से आपको मारे तो उसकी अपोजिट साइड में आ जाओ। तो इधर से कोई बंदा मार रहा है तो इधर के साइड में आ जाओ, और इधर के साइड में मार रहा है तो उधर के साइड में चले जाओ। तो ऐसा मतलब उसको घुमा सकते हो थोड़ी देर तक। बाकी यार यहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा सा रिस्की है। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ से ना मेरे एक बंदे को टपका दिया था, उस बंदे को पता ही नहीं चला था, मैं ऐसे ही जूम इन जूम आउट कर रहा था, इन पेड़ों के पीछे वो बंदा वो दिख रहा था, ऐसे ही रेडार में आ गया था, तो उसको यार अपन ने इजी पीजी टपका दिया था। बाकी फ्रेंड्स यार अभी ये वाले सीक्रेट प्लेस में इतना ही था। ये वाले सीक्रेट प्लेस में एक चीज और मैं बता देता हूँ कि यार यहाँ से आप अगर आपको उतरना है जंप करना है तो यार डायरेक्ट जंप मत करो, इसको खोलो और इस तरीके से आप यार नीचे आ सकते हो जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ ना, उस तरीके से आप यार बिना डैमेज के भी नीचे आ सकते हो जिस तरीके से मैं यहाँ पे आया ना, उस तरीके से आप यार बिना डैमेज के नीचे आ सकते हो। बाकी ये वाला सीक्रेट प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और ये फ्रेंड्स यार मेरे को नेपाल का टेम्पल लग रहा है, तो टेम्पल ही बोलेंगे ना उसको, तो जो भी है फ्रेंड्स यार पिक्चरों में देखा है मैंने तो ये टेम्पल लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है यार कमेंट में जरूर से बताना, मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है ये नेपाल का ही है जो भी है ये। बाकी फ्रेंड्स यार अभी अपन चलते अपने नेक्स्ट नंबर के सीक्रेट प्लेस पे। तो नेक्स्ट नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा फॉरेस्ट रेड में। तो फॉरेस्ट रेड में फ्रेंड्स यार अपन ने दूसरे नंबर का सीक्रेट प्लेस बताया ना, जहाँ पे ये पेड़ वगैरह देखने को मिलता है। तो यार यहीं पे ये जो सबसे बड़ा वाला पेड़ है ना, इसमें फ्रेंड्स यार एकदम घनी जगह है जहाँ पे यार आप कैंप वगैरह कर सकते हो, सर्वाइव वगैरह कर सकते हो। तो यार यहाँ से आपको क्या करना है, दो तीन बार जंप करना है और कुछ इस तरीके से ऊपर के साइड में आ सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे ऊपर के साइड में जा रहा हूँ ना उस तरीके से आ जाओ। और फिर यहाँ पे आपको ये कोने पे आ जाना है और फिर आपको एक और ग्लूअल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे आपको दो ग्लूअल सेट करना पड़ेगा तभी यार आप ऊपर के साइड में इस पेड़ पे चढ़ सकते हो, इस पेड़ पे क्लाइम कर सकते हो और यहाँ से आप यार बंदे बंदे भी टपका सकते हो। तो यहाँ पे तो यार मेरे को काफी देर के बाद एक बंदा आया था तो उसको अपन ने टपकाया था। बाकी फ्रेंड्स यार आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर जाना है, धीरे धीरे जाना, नहीं तो गिर जाओगे तो आपको यार वापस से चढ़ना पड़ेगा। और एक बार में जो काम होता है तो यार उसको दूसरी बार क्यों करे, एक बार में ही खेल खत्म कर देते ना। तो यार यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आके लेट वेट सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी बंदा यार नोटिस वगैरह नहीं कर पाएगा। तो यार यहाँ पे मैंने यार काफी देर तक कैंप वगैरह किया था, काफी देर तक सर्वाइव वगैरह किया था, तो एक बंदा यार सच्ची में आ गया था, वो कार से यार घूम रहा था, वो यार पहले से ही डैमेज था, तो मैंने उसको एक ही गोली मारी, सिर्फ एक गोली मारी 14 की, और वो बंदा बेचारा यहाँ पे शहीद हो गया मेरे हाथों से। और मैंने उसको लोल मोल बताया, बाकी यार उसने लाइक नहीं दिया तो ये तो गलत बात है। तो यार यहाँ से फिर मैं यार इजी पीजी नीचे उतर गया। तो नीचे उतरने के लिए भी आप यार उसी टेक्निक का यूज कर सकते हो, जिस टेक्निक से मैं ऊपर आया ना उसी टेक्निक से आप यार नीचे जा सकते हो, तो आप यार कुछ इस तरीके से नीचे आ जाओगे। बाकी फ्रेंड्स यार ये वाली लोकेशन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यार ये पेड़ देखने को मिल जाएगा, इसके बाद का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा मिल्टिया और फॉरेस्ट रेड के बीच में। तो यार यहाँ पे जिस वाली लोकेशन पे मैं हूं ना उस वाली लोकेशन पे आपको आना पड़ेगा। इसमें यार लोकेशन का झंझट है, क्योंकि यार अभी नया नया मैप है तो यार इतनी सारी लोकेशन आपको अपने को पता नहीं है। तो यार यहाँ पे आपको कुछ इस वाली लोकेशन पे आना पड़ेगा जिस वाली लोकेशन पे मैं हूँ। यहाँ पे आपको इस फेंस के पीछे और दो ग्रास के ढेर देखने को मिल जाते हैं, उसके पीछे आपको आगे बैठ जाना है, तो कोई भी बंदा आता है तो आप यार उसको खड़े होकर मार सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे मैं बैठा था तो एक बंदा मेरे को मार रहा था, मैं बैठा रहा तो वो बंदा यार मेरे को मार नहीं पाया, वो इतना फायरिंग कर रहा था बाकी यार मेरे को मार नहीं पाया। बाकी फ्रेंड्स यार मैंने उसको ना खड़े होके इजी तरीके से सूद दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यार आप उस बंदे से डील कर सकते हो बैठे होके, तो वो आपको यार बंदा नहीं मार पाएगा, खड़े होके तभी यार वो बंदा आपको मार पाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यार ये वाला सीक्रेट प्लेस भी काफी ओपी बन जाता है। आपको यार ये वाला सीक्रेट प्लेस कैसा लगा, थोड़ा सा बेसिक है, बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो चलो यार नेक्स्ट नंबर का सीक्रेट प्लेस पे आप यहां अपन आ भी चुके हैं। तो नेक्स्ट नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा डॉक नाम की लोकेशन पे, जो कि यार मैप के लास्ट में देखने को मिल जाता है। तो यार यहां पे आपको इस तरीके से ये वाली लोकेशन पे कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिल जाएगा। तो यार यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब यहां पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहां पे फ्रेंड्स आपको आना है और यार यहां से आपको कुछ इस तरीके से रनिंग करते करते आओ, और फिर यार यहां से आपको जंप करना पड़ेगा, मतलब जंप स्कोप खोल के करना। अगर आप
नॉर्मल जंप करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो यार यहाँ पे आप आ जाना रनिंग करते करते, फिर आपको इसको खोलना है, जंप दो बार जंप करो और फिर यहाँ से इधर के साइड में ऊपर के साइड में आ जाओगे। तो यार यहाँ से आपको मतलब काफी सही शॉट वाला सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप यार कुछ इस तरीके से बैठ के कैंप वगैरह कर सकते हो कोने में। यार यहाँ पे आपको कोई भी इतना नोटिस नहीं कर पे, मतलब यहाँ पे अगर आप ब्लू जोन, यहाँ पे यार काफी टाइम ब्लू जोन बनता है, यहाँ पे आप आके कुछ इस तरीके से बैठ सकते हो, लेट सकते हो और यार यहाँ से आप यार सर्वाइव वगैरह कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यार अगर आपको किसी बंदे को टपकाना है तो बंदे को टपकाने के लिए आपको इधर के साइड में आना ही पड़ेगा, थोड़ा इधर बाहर के साइड में आना पड़ेगा और यार यहाँ से बंदे से डील वगैरह करनी पड़ेगी। बाकी आपको यार यहाँ से इस लोकेशन के बाहर के बंदे मारना है ना, तो यार यहाँ पे आप आके कुछ इस तरीके से फायरिंग साइरिंग कर सकते हो और यार यहाँ से आप उस बंदे को कवर में रहते रहते टपका सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर तक कैंप करते रहा, फायरिंग वायरिंग करते रहा, तो एक बंदा यार बेचारा मेरे को ढूंढते ढूंढते आ रहा था, मेरी तरफ आ रहा था, तो मैंने उसको फायरिंग करा तो वो वापस के साइड में भगने लगा, मतलब अपोजिट साइड में भगने लगा। तो इस तरीके से यार यहाँ से आप बैठे बैठे यार बंदे को भी टपका सकते हो। बाकी यार यहाँ पे फिर जोन वोन आए तो बस निकल जाओ यहाँ से। बाकी यार यहाँ पे कुछ अच्छे कवर देखने को मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और यार लास्ट में तो ज्यादा दिक्कत, मतलब यहाँ पे आप ज्यादा देर तक कैंप वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि यार ये मैप के लास्ट में यहाँ पे यार जल्दी से जल्दी जोन वगैरह आ जाता है। तो ये डोक नाम की लोकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी है ये वाला सीक्रेट प्लेस काफी ओपी, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो चलो यार नेक्स्ट नंबर के सीक्रेट प्लेस पे, तो नेक्स्ट नंबर का सीक्रेट प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा वेंटेज नाम की लोकेशन पे। तो इस वाली लोकेशन पे आपको यार यहाँ पे ये जो छतरी वतरी वाले जो घर देखने को मिलते हैं ना, छतरी वतरी वाली बिल्डिंग जो भी इसको बोलते हैं डिस्क बोलते हैं ना, तो डिस्क वाली बिल्डिंग के पास में आपको इधर से अंदर के साइड में इधर और फिर यहाँ पे आपको आ जाना है इस वाली लोकेशन पे। फिर यार यहाँ से आपको दो ग्लूवल लगाना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ना उस तरीके से यार दोनों ग्लूवल सेट कर दो, फिर आपको यार जंप कर करके ऊपर के साइड में आ जाना है। और भाई मैं फिसल गया, बाकी कोई ना यार यहाँ पे आपको आ जाना है, फिर यहाँ से इधर ग्लूवल के ऊपर दूसरे वाले ग्लूवल के ऊपर जंप और फिर आपको यहाँ से इधर ऊपर के साइड में जाना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा बेसिक है क्योंकि यार यहाँ पर भी अगर आप लेटोगे तो कोई भी बंदा यार यहाँ पे आपको देख मतलब देख नहीं पाएगा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। बाकी यहाँ से आप यार ये जो वेंटेज नाम की लोकेशन है ना, इसके आसपास के बंदों की इजी तरीके से सुताई उताई कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब इतना हाइट नहीं करने वाला है, बाकी यार यहाँ थोड़ा मतलब एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है ये वाले सीक्रेट प्लेस पे। तो यार यहाँ पे मैं ऐसे ही घूमते फिरते रहा तो एक बंदा मेरे को दिख गया था, तो मैंने उसको यार इसी तरीके से सूट दिया था, वो भी यार हेडशॉट के साथ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यार ये वाले इस वाले सीक्रेट प्लेस में मतलब इतना ही था, ये वाले सीक्रेट प्लेस के वीडियो में इतना ही था। आपको यार ये वाले सीक्रेट प्लेस का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। ये वाला सीक्रेट प्लेस का वीडियो आपको अच्छा लगा होता है लाइक कर दो, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स यार बाय बाय, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स यार बाय बाय।